तो गाइस सैमसंग का जो A53 5G स्मार्टफोन है, इसका जो सक्सेसर है सैमसंग A54 5G स्मार्टफोन, इसके कुछ जो लीक्स है वो बाहर निकल के आ गए। तो अगर इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, ये इंडिया के अंदर क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा और कब तक लॉन्च होगा, ये सारी चीजें मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चैनल पर भी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। गाइस इसके जो बेजल से ये बहुत ही कम रहने वाले हैं। गाइस इसके अंदर साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। इसका जो डिस्प्ले है आपको काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। इसमें कैमरे की कभी बात करें तो इसके रियल साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है, साथ ही इसके अंदर आपको OIS भी देखने को मिलने वाला है। जो दूसरा कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। जो तीसरा है ये आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। गाइस साथ ही फ्रंट में फोटोज और वीडियोज के लिए आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, मतलब जो कैमरा है ये भी आपको काफी अच्छे क्वालिटी का इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। गाइस इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक्सोनोस 1380 की पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगी। सैमसंग इस बार इसके अंदर आपको एक्सोनोस की चिपसेट देने वाला है। मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिपसेट देनी चाहिए, वो चिपसेट काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसमें UI की कभी बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वन UI 5.0 देखने को मिलेगा, जो कि बेस होगा Android 13 पे। गाइज इसमें बैटरी की कभी बात करते हैं तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ ही उसको चार्ज करने के लिए आपको वही पुराना 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। गाइज टेक्नोलॉजी काफी आगे आगे जा रही है, सैमसंग क्या कर रहा है वही चीजें रिपीट स्मार्टफोन के अंदर दे रहे हैं। गाइज इसमें प्राइस और वेरिएंट की कभी बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। और इसकी जो प्राइसिंग है ये आपको 35,000 के अंदर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। गाइज इस स्मार्टफोन के अंदर IP67 की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही गाइज इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। गाइज ये जो स्मार्टफोन लॉन्चिंग की कभी बात करते हैं तो ये जो है आपको फेब्रुआरी के एंडिंग तक इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। गाइज ये जो स्मार्टफोन है ये आपको ऑल ओवर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। गाइज आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन कैसे लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताओ, और गाइज वीडियो को भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।